हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा होस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पर्यावरण में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा पशु पक्षी और मनुष्य के आवास। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आवास किसे कहते हैं, पशु के आवास किसे कहते हैं, मनुष्य के आवास किसे कहते हैं, और इस विश्व में जो अनेक जनजातियां जो निवास करती हैं और उन जनजातियों के द्वारा बनाने वाले जो घर हैं या बनाने वाले जो आवास है, उन आवासों को लोकल भाषा में क्या कहा जाता है। बहुत सारी परीक्षा में ये पूछा भी जाता है और संविधान में तो पर्टिकुलर ये पर्यावरण में आता ही आता है। तो दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखते रहिए, हम इस वीडियो में आवास की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आवास किसे कहते हैं। सबसे पहले दिमाग में हमारा पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि आवास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आवास वह प्राकृतिक स्थान होता है, आवास वह प्राकृतिक स्थान होता है जिस स्थान पर रहकर जीव अपनी जनन प्रक्रिया को पूरा करता है और अपने वंश को आगे बढ़ाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों आवास। क्या कहा जाता है उसे? आवास कहा जाता है। आवास एक प्राकृतिक रूप में बनता है और तत्पश्चात जाके वह कृत्रिम रूप का रूप को धारण कर लेता है। ठीक है, तो अब आवास जब अपनों ने देखा तो अपन बात करते हैं आवास के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का आवास होता है। आवास के प्रकार तो आवास के प्रकार में अगर अपन बात करें तो सर्वप्रथम आता है आवास में स्थलीय आवास, दूसरा होता है दोस्तों जलीय आवास। तो दोस्तों, स्थलीय आवास और जलीय आवास, दो आवास होते हैं। ठीक है, अब स्थलीय आवास में भी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्थलीय आवास में आता है वनीय आवास, तत्पश्चात आता है दोस्तों घास की भूमि, तीसरा होता है दोस्तों मरुस्थलीय आवास, जबकि नेक्स्ट होता है पहाड़ी आवास, और अंतिम होता है दोस्तों ध्रुवीय आवास। ठीक है, तो स्थलीय आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास वह आवास होता है जहां पर जो घर होते हैं, जो आवास होते हैं, वह स्थल पर जमीन पर पाए जाते हैं, उस आवास को कहते हैं स्थलीय आवास। ठीक है, अब स्थलीय आवास में भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे वनीय आवास, ऐसा आवास जो वन में स्थित होता है। दूसरा घास की भूमि, जहां पर घास की जितनी भूमियां होती, मैदान होते हैं, उस पर जो आवास बनाया जाता उसे कहते हैं घास की भूमि का आवास। मरुस्थलीय आवास, जो मरुस्थलों में निवास करते हैं, जो घर होते हैं वो होते हैं मरुस्थलीय आवास। पहाड़ी आवास, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो आवास बनाए जाते हैं वो होते हैं पहाड़ी आवास। और ध्रुवीय आवास का मतलब होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आवास बनते हैं उनको कहते हैं ध्रुवीय आवास। क्लियर दोस्तों? तो ये स्थलीय आवास। जलीय आवास मतलब कि जल के अंदर जो जीव अपना आवास बनाते हैं उनको जलीय आवास कहते हैं, जैसे कि मछलियाँ जो अपना घर बनाती हैं, अपना आवास बनाती हैं, वो कहाँ बनाती हैं? जल में बनाती हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं जलीय आवास। चले दोस्तों, अब आवास के प्रकार में ये दो प्रकार होते हैं। अब आवास में ही एक प्रकार और आता है दोस्तों, मानव का आवास। क्या आता है दोस्तों? मानव का आवास। अगर मानव के आवास की हम अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो मानव जब अपनी प्रजाति में वृद्धि करता है, ठीक है, तो प्रजाति में वृद्धि करने के लिए बकायदा वह एक घर का निर्माण करता है। उसे आप घर बोल सकते हैं, उसे आप मकान बोल सकते हैं। अब ये घर और जो मकान होता है, यह उसका निवास स्थान और आवास स्थान होता है।
अब ये मकान और जो घर होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकारों से और भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा बनाए जाते हैं। कभी यह पत्थरों से बन सकते हैं, कभी ये मिट्टी से बन सकते हैं, कभी ये घास से बन सकते हैं, कभी यह जानवरों की छाल से बन सकते हैं, या फिर किसी भिन्न दूसरे रूप में यह बनाए जा सकते हैं। यानी जो मानव के द्वारा बनने वाले जो आवास होते हैं यह भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हैं और उन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करते हैं जहाँ पर वह निवास करते हैं, तो उनके आधार पर यह आवास का निर्माण किया जाता है। तो अब मानव के आवास में ही दोस्तों विभिन्न मानव के भौगोलिक क्षेत्र के पर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम आवास के बारे में बात करते हैं। जो इस विश्व में अलग अलग क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती हैं उन जनजातियों के द्वारा किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं उन आवास के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इग्लू, इग्लू, इग्लू आवास। अब प्रश्न उठता है इग्लू आवास किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इग्लू आवास बनाया जाता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और विशेषकर जो ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका और विशेषकर ग्रीनलैंड में निवास करने वाली जो जनजाति होती है वह जनजाति जो घर बनाती है उस घर को कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है उसे? इग्लू। तत्पश्चात दोस्तों नेक्स्ट होता है ट्यूपिक, ट्यूपिक। अब देखते हैं दोस्तों ट्यूपिक क्या होता है। ट्यूपिक जो है होता है यह एस्किमो, एस्किमो जो जनजाति होती है जो उत्तरी अमेरिका में निवास करती है, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनने वाला घर होता है। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति जहां निवास करती है, जिस घर में निवास करती है उसे कहा जाता है ट्यूपिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्यूपिक। इसके पश्चात आता है दोस्तों किस्ताऊ, किस्ताऊ। अब ये जो किस्ताऊ नामक जो आवास होता है यह आवास कजाकिस्तान की किर्गिज जनजाति, कजाकिस्तान, किस्तान की एक जनजाति है जिसका नाम है किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति। ठीक है, तो कजाकिस्तान की जो किर्गिज जनजाति है इस किर्गिज जनजाति के द्वारा जो आवास बनाया जाता है उस आवास को कहा जाता है किस्ताऊ आवास। क्या कहा गया दोस्तों? किस्ताऊ आवास। इसके बाद जो दोस्तों आवास आता है वो आवास होता है यूर्त, यूर्त आवास। अब देखते हैं दोस्तों यूर्त आवास जो होता है किसके द्वारा बनाया जाता है। ये जो यूर्त आवास होता है यह भी किर्गिज जाति के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन जब किर्गिज जाति ग्रीष्म काल से बचने के लिए या ग्रीष्म काल में जिस आवास का निर्माण करती हैं उस आवास को यूर्त कहा जाता है। ठीक है, किर्गिज जाति जब ग्रीष्म काल में जिस आवास का निर्माण करती हैं उस आवास को कहा जाता है यूर्त। क्या कहा गया दोस्तों? यूर्त कहा जाता है। तत्पश्चात है दोस्तों नेक्स्ट कू, कू। ये जो आवास होता है यह भील जनजाति के द्वारा बनने वाला आवास होता है, भील जाति। ठीक है, भील जाति जब अपना आवास बनाती है तो उस आवास को कहा जाता है कू आवास। क्या कहा गया दोस्तों? कू आवास। तत्पश्चात दोस्तों नेक्स्ट टीपी, टीपी। अब जो टीपी जो आवास है, ठीक है, यह आवास रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों, रॉकी पर्वत।
अब इस रॉकी पर्वत पर एक जनजाति निवास करती है और उस जनजाति का नाम है दोस्तों रेड इंडियन जनजाति। रेड इंडियन जनजाति। अब रेड इंडियन जनजाति के द्वारा जिस आवास का निर्माण होता है उस आवास को कहा जाता है टीपी आवास। क्या कहा गया दोस्तों? टीपी आवास कहा जाता है। रेड इंडियन जनजाति रॉकी पर्वत पर निवास करती है, हमें यह भी ध्यान रखना है। तत्पश्चात दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट है विगवाम। विगवाम विगवाम। अब ये जो विगवाम जो आपका आवास है या उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली जाति जो है उसके द्वारा बनने वाला यह आवास होता है विगवाम आवास। इसके पश्चात दोस्तों आता है जोम्पा। जोम्पा। अब ये जो जोम्पा होता है यह पश्चिमी जो राजस्थान है, जो भारत का जो पश्चिमी जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जो जनजाति निवास करती हैं उस जनजाति के द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे कहा जाता है जोम्पा। क्या कहा गया उसे? जोम्पा। तत्पश्चात दोस्तों नेक्स्ट पड़वा। पड़वा। अब पड़वा जो आवास है यह भी राजस्थान के मरुस्थल में जो लोग निवास करते हैं या जनजाति निवास करती हैं, ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल में जब कोई जनजाति निवास करती है तो उस जनजाति के द्वारा जो आपका घर बनाया जाता है, जरा जो धूल भरी जो आंधी हवा चलती उससे बचने के लिए जो घर बनाया जाता है जो गर्मियों में भी ठंडा रहे, ऐसे घर को, ऐसे निवास को वहां पर कहा जाता है पड़वा। क्या कहा गया दोस्तों? पड़वा। तो जोम्पा और पड़वा दोनों राजस्थान के मरुस्थल में ही बनाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है दोस्तों टपरा। टपरा। यह राजस्थान की आदिवासी जनजाति जो होती हैं उस आदिवासी जनजाति के द्वारा बनाया जाने वाला घर है, ठीक है, टपरा। टपरा राजस्थान की आदिवासी जनजाति। कौन सी? आदिवासी जनजाति के द्वारा बनने वाला घर है जिसे अपन क्या कहते हैं? टपरा कहते हैं। टपरा के बाद दोस्तों भाखर। भाखर। अब भाखर जो होता है यह राजस्थान की गिरासिया, राजस्थान की एक जनजाति है गिरासिया। गिरासिया जनजाति के द्वारा बनने वाला घर होता है, ठीक है, राजस्थान की एक जनजाति है गिरासिया। गिरासिया के द्वारा जो आवास बनाया जाता है उसे कहा जाता है भाखर। क्या कहा गया दोस्तों? उसे भाखर कहा जाता है। तत्पश्चात दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट है मैत। मैत। अब ये जो मैत जो आवास है इस मैत आवास का निर्माण उत्तराखंड, उत्तराखंड की एक जाति है, एक जनजाति है जिसका नाम है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति है, जनजाति भोटिया जनजाति के द्वारा जिस आवास का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है मैत। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैत, ठीक है। और एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि भोटिया जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। कहाँ निवास करे दोस्तों? उत्तराखंड में यह निवास करती है भोटिया जनजाति। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस वीडियो में पशु पक्षी और मनुष्य के आवास तथा विश्व में अनेक क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के द्वारा निर्मित आवास के बारे में पढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।